हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल्स। आज की वीडियो में बात करते हैं हम अपना सर्वनाम का पार्ट 3, जिसमें कि सर्वनाम पार्ट 1 और 2 में हमने जो है सर्वनाम क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, सर्वनाम के प्रकार पढ़े थे हमने, यहाँ पे पुरुषवाचक जो है यहाँ पे पढ़ा था, उसके अंदर जो है उसके पेज पढ़े थे आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। इस वीडियो में बात करते हैं हम अपना सेकेंड जो है यहाँ पे सर्वनाम का पेज, जो कि है हमारा निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम निकट या दूरी को बताने के लिए, मतलब व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, वो सर्वनाम जो दूरी या पास की वस्तु है या व्यक्ति का बोध कराए, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निकट के लिए देखिए आप, निकट और दूरी के लिए यहाँ पे निकट और दूरी व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराए। जैसे निकट में हम करेंगे यह और ये, वह और वे, यहाँ पे जैसे यह कौन व्यक्ति है, यह कौन व्यक्ति है, तो यह के लिए जो हम पास को मतलब इंडिकेट करने के लिए करते हैं, जैसे ये व्यक्ति कौन है, यह कौन है। जैसे वह के लिए तो हम जो दूर की तरफ इंडिकेट करेंगे, तो वो सर्वनाम जो निकट या दूरी में व्यक्ति और वस्तुओं की ओर जो है इशारा करे। जैसे यहाँ कौन व्यक्ति है, तो जो है यहाँ पे कौन व्यक्ति है, यहाँ यह और ये निकट के लिए यूज करेंगे, और वह तो वह के लिए जो है एक तरफ मतलब दूर की सेंस आ रही है यहाँ पे। सो जो है आपका ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम थर्ड आपका, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, जिन सर्वनामों से हमें जो है वो व्यक्ति या विशेष का बोध तो होता है, लेकिन उनके बारे में कोई फिक्स सूचना जो है यहाँ पे, कोई निश्चित सूचना जो हमें नहीं मिलती, यानी कि हमें ये तो पता है कि वो चीज है, लेकिन उनके बारे में कोई जो है यहाँ पे निश्चित सूचना नहीं मिलती व्यक्ति या पदार्थ की चीजों में। जैसे कोई व्यक्ति इधर खड़ा है, तो हमें ये तो पता है व्यक्ति है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन है, कौन व्यक्ति है। जैसे छोटा है, बड़ा है, राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो व्यक्ति या विशेष का बोध तो कराते हैं, व्यक्ति या पदार्थ का बोध तो कराते हैं, लेकिन उनके बारे में यहाँ पे कोई फिक्स सूचना नहीं होती। कोई का जो हम यूज है वो प्राणीवाचक के लिए भी करते हैं। कोई का जो यूज हम वो प्राणीवाचक के लिए भी करते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे थर्ड यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम, ये जो सर्वनाम है वो है दो उपवाक्यों के बीच में जो है वो प्रस्तुत होने पर संज्ञा या सर्वनाम में हमें एक उपवाक्य की जो यहाँ पे सेंस देता है। जैसे जैसे जो सोएगा वो
होएगा, तो दो उपवाक्यों के बीच में प्रस्तुत होकर संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर एक उपवाक्य की यहाँ पे जो है वो सेंस देगा, यानी कि एक उपवाक्य के रूप में यहाँ पे निकल कर आएगा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो दो उपवाक्यों के बीच में जुड़कर संज्ञा या सर्वनाम में मतलब एक उपवाक्य की जो है यहाँ पे सेंस देगा। वाक्य तो ये दो हो गए, लेकिन जब संज्ञा सर्वनाम के रूप में प्रस्तुत होकर हमें एक वाक्य की यहाँ पे जो है वो सेंस दे रहे, तो वो आपका जो है यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक, ये हमारा फिफ्थ। तो प्रश्नवाचक जिन सर्वनामों से हम जो प्रश्न पूछने के लिए जो है यूज में लेते हैं, जिनका मतलब प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है, जैसे वह कौन है, यह किसका घर है, तो जो है बेसिकली यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए काम ले लिया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपके प्रश्न के लिए यूज किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एंड लास्ट है निजवाचक सर्वनाम, ये हमारा लास्ट। तो निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका यूज वक्ता या श्रोता मतलब अपने लिए करता है, खुद के लिए, जैसे आप। तो उदाहरण देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैं आप सभी को दिल्ली दर्शन लेके जाऊंगा। तो इसमें क्या है, वक्ता या जो भी श्रोता है वो अपने लिए स्वयं के लिए बतलाता, खुद के लिए बात करता। तो मैं आप को लेकर जो बात करता, मैं सभी को दिल्ली दर्शन लेके जाऊंगा। आप सॉरी मैं आपके घर पर हूँ। तो जो है आपके बेसिकली जो हो मैं आपको अच्छी शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराऊंगा। तो इस तरह से जो है वो आप जो आपका वो निजवाचक है, ये जो है स्वयं के लिए बात करता है। तो आज हमने जो है यहाँ पे सिक्स यानी कि छह सर्वनाम जो है वो पढ़े हैं, जो हमारे जो है लास्ट क्लास में रह गए थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे आने वीडियो में जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।